देश में बेकाबू हो रही कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाए गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के बाद अब देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगा है। हालात को देखते हुए बीते रविवार को राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने दोबारा से 2 सप्ताह के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। वहीं ऐसे समय में एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा तेज हो चुकी है। इस बीच देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर काबू लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। वे जन कल्याण के हित में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किया जाना चाहिए। इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्य रात्रि या उससे पहले तक ठीक कर ली जाए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे और इसे आपात स्टॉक को अलग अलग तरह रखा जाए। साथ ही कोर्ट द्वारा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में 2 सप्ताह में राष्ट्रीय नीति बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील यानी कि राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद भी मांगी है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी भी लिखी गई है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को HRTC जांच की कीमत पर अंकुश लगाने का नोटिस भी दिया है। बात करें भारत की, तो हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन बेड्स रेमडेसिविर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। ऐसे में जनता और सरकार की लापरवाही हाहाकार मचा सकती है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को गंभीरता से और सोच समझ कर ही कदम उठाना होगा। बाकी लॉकडाउन 2021 लगता है या नहीं, ये समय के साथ ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।